तारीख है 11 जून 2022, समय हो गया है 11:00 AM। पूरे विश्व में अगर कहीं पे भी कुछ होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे नॉर्वे के अंदर जिस प्रकार से लगातार कुछ इंसिडेंट हुए हैं, वहाँ पे जो है कुरान को जलाया गया, तो भाई उसका असर भारत में आ रहा है ना। सऊदी में अगर कुछ भी हुआ है उसका असर भारत में आ रहा है, हम तो बात कर लेंगे बिना देर करे। आईबी वाले हैं तो बुला लो भैया, नॉर्वे इंटेलिजेंस को बुला लो भाई, क्या बात हो भाई हैं? तो हम क्या करें तो हम क्या करें? आप वहां जो कुछ भी कर रहे हो भाई, यार किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। अरे यार, ये जो आपको यही तो नहीं पता भक्ति किसे कहते हैं? अब भाई मैं कह रहा हूं, पैगंबर के फॉलोअर अच्छे या बुरे हैं भाई, उनकी अपनी एक सोच है। जिस प्रकार से आप ज्यूइश जो है अपने इज़राइल के धर्म को लेके बात कर रहे हो, समझ में आई, उसी तरह से जो है कह के तो बाकी चीजें हम तो बात कर लेंगे सीधे तौर पे, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहां रहने वाले मुसलमानों को ले भी मैं यही कहता हूं, यदि आप वहां की बात का असर लेकर भारत के अंदर आप करोगे तो मैं तो ट्रक लगा के उठा करके भेज दूंगा आपको वहीं पे। भारत के मुसलमान जाओ सब सारे के सारे नॉर्वे, जहाज मैं देता हूं, चले जाओ यहां से 25,50,000, 5,00,000, 10,00,000 जितने लगते रहेंगे यहां सब, जहाज जाओ, पैसा मैं दे रहा हूं, पूछो जा करके, तब पता लगेगा ना नॉर्वे वालों को। वहां जिन्होंने कुरान जलाई है सबको उठाकर फेंक दो समुद्र में, सबको कपड़े उतारो, एक एक कट मारो और फेंक दो, शार्क आ जाएंगी। मैं तो यही करता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता फालतू बातें। ये कुछ नहीं होता, मैं बताता हूं, इसके पीछे भी एक इंटेलिजेंस काम करती है, विश्व के कई देश हैं। जब भारत में DMRC ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कदम रखा, तो नेताओं में होड़ चल गई, ये मदनलाल खुराना लाया तो कांग्रेस कह रहे कि ये कांग्रेस ही लेके आया, अबे लाया कोई भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन्होंने क्या करा कि DMRC ने अगला प्रोजेक्ट भारत के अंदर मेट्रो रेल लाने की सोची, तो मेट्रो कह रहा हूँ, बुलेट रेल लाने की सोची, ये DMRC का काम था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। गुड़गावा के अंदर जिस प्रकार से मेट्रो के अंदर वहां के कुछ ऐसे उन्मादियों ने हरकतें शुरू करी ट्रेन के अंदर, ये इनको पसंद नहीं आया जब इन्होंने दिल्ली मेट्रो देखी ना। हाँ, विश्व के कई देशों के लड़के आए, वो देखने में हिंदुओं जैसे ही लगते हैं, भारतीयों की तरह। यहाँ मेट्रो के अंदर जो है खामखा की बदतमीजी, मोदी का ग्रुप इतना चिढ़ गया ना मेट्रो देख के, भारत की तरक्की नहीं समझ आ रही इनको। तब जापान में जाके बात करके सिंजो आबे से मेट्रो लाने के लिए नहीं, हाँ का ना, ना का हाँ समझ लेना, मोदी ने जितने प्रोजेक्ट चलाए वो सारे के सारे भारत के उन प्रोजेक्टों को रोकने के लिए थे। ये है खेल, ना का हाँ और हाँ का ना क्या है। भारत सरकार में सनातन धर्म द्वारा जिन बातों को हाँ कहा जाता है, ये उन्हीं बातों को ना कहेंगे और कुछ नहीं है। जब सुखोई के सौदे की बात हो रही थी, समझे, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग, मैं भी था उस दिन, सुपर चैंबर में बात चल रही थी, मैंने इनको सुखोई का कॉपीराइट बता दिया, इनकी गांड सुलग गई बहन के लोड़े रशियंस की, हैं? ये हिंदुओं की कंपनी है, तुम्हारी हम मां चोद देंगे बहन के लोड़ों, तुम जानते क्या भी हमारे बारे में। मैंने इनको बता दिया, उसमें साफ लिखा हुआ है, जो सतबार पाठ कर कोई झूठी बंद महासुखोई, ये है सुखोई। सुखोई बहन का लोड़ा क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा की चौपाई में से लिया गया शब्द है। इधर आ जाओ, अब सुखोई कंपनी खरीद ली हमने, बस व्लादिमीर पुतिन की तो ऐसी मां चुदी बहन के लोड़े की,
ऐसा बेवकूफ बन गया। हमने भाई साहब पेमेंट रखवाई, कंपनी हमारी हो गई। बीआई सिस्टम के ऊपर अमेरिकी गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था कि बीआई सिस्टम के जो आइडियाज थे उसको बनाने नहीं दे रहे। ये लोग क्या करते थे, जैसे नए एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इनको पता लग जाए वहां के साइंटिस्टों को, ये उसे मारने पर उतर जाएंगे। मैं काफी समय पहले फेसबुक पर, मैंने अंदाजन 6 से 7 साल पहले एक वेपन का डिजाइन देखा, मुझे बड़ा पसंद आया। तुम अपनी एसपीजी में क्या करते हो, मुझे क्या लेना देना। मैंने बनाई वो कंपनी। कंपनियां मैंने सिखाया कैसे बनती है, पहले एसपीजी वर्ल्ड में बनती हैं। मैंने बनाया कंपनियों का एसपीजी वर्ल्ड, जिसकी माँ के भोसड़े में दम हो ना, हाथ लगा के देख लेना बीआई सिस्टम को, और किसी भी दिन देख बीआई सिस्टम को, क्या भयंकर एसपीजी देता हूं मैं। जिस दिन ध्रुव एरोनॉटिकल्स शौर्य क्रूज लाइनर की बात आई, मैंने बना दी 3 कंपनियां और धान्य बैंक एसपीजी वर्ल्ड में रोक के दिखा दो, तुम पहुंच नहीं सकते वहां तक, तुम कभी कंपनी खत्म कैसे करोगे। तो यह था भारत की तरक्की रोकने का तरीका, दंगे फसाद। हाँ, और आरएसएस के द्वारा स्वदेशी जागरण मंच, अबे क्या स्वदेशी बे, मंच पे आ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के नाम पे ज्यूइशों ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, उसमें बना दिया स्वदेशी जागरण मंच। तो वहां से बिहार में बैठा हुआ नेहरू राय और उसका बेटा, वो ये कहते हैं कि सुखोई कंपनी का सौदा मेरे घर में रह के हितेश ने किया है, तो कंपनी मेरी हो गई। मैं कहा यार अब पिटेगा ये मां का लोड़ा। बहन के लोड़े इस देश का मालिक हूं मैं, चक्र रैंक है मेरा। कह रहे तुझे पता नहीं था, तूने बताया नहीं। मुझे पता था या नहीं पता था, तुझे क्या लेना देना बहन के लौड़े। यूं मां चोदने पे उतर गया मैं इनकी। मेरी बीवी ये क्या कहते हैं, वो ये एकदम ये हंसती रहती है। जब मैंने ट्विटर पर लिख दिया मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन अर्थ, इसकी मां चुदगी बहन की लोड़ी स्मृति जुबिन ईरानी की, और साथ में मां चुदगी इसकी बहन की लोड़ी की बेटियों की, क्या चंदू, क्या बिक्की, क्या बेबी और क्या बुल्लू, क्या गुड़िया। कल बता रहे गुड़िया मरी थोड़ी, एसपीजी में रखी थी, किसी और जगह जाकर कह रहे कल उठाया उसको पुलिस वालों ने, गुड़िया जिंदा है। ये कह रही गुड़िया मर गई, तूने क्या अंतिम संस्कार किया उसका, वही दवाई खिला करके उसको एसपीजी में रख रहे थे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कहा हम लोग 2550 सुखोई खरीदने की बात कर रहे, मैं पूरी कंपनी उठा लाया। ऐसे बनी जेएसआर सिक्योरिटीज, पहला सौदा जेएसआर सिक्योरिटीज का सुखोई कंपनी का था। लग गए इंजीनियर्स काम पे। अब ये मुझसे कहते हैं कि तू कंपनी में गया नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं जानता हूं ना बहन के लोड़े तुम पीछे पीछे आओगे मेरे। मैंने अपने इंजीनियर्स को फ्री छोड़ दिया, मैंने आप काम करते रहो, मैंने दे दिया इनको अपने वर्ल्ड बैंक अकाउंट नंबर। अबे बहन के लौड़ो, मैंने मेरे पास है अभी 800 मां के लौड़ो, 8 इन्फिनिटी मेरी कंपनी है मां के लौड़ो, तुम कौन हो भोसड़ी के जबरदस्ती मेटा और खालिस्तान वाला लिंक जोड़ करके एक नई कंपनी बना ली। तब मां चोदने पे उतर गया हम इनकी।
भारत सरकार के लिए हमने हमने मैं इधर ले आप, कमी नहीं है, 800 से ज्यादा मेरे पास वर्ल्ड बैंक के अनलिमिटेड अकाउंट हैं, अनलिमिटेड, मैं इतना पैसे वाला हूं। कल देखो नीचता की हद कैसे पार करी बीजेपी के लोगों ने, कह रहे यार तू इतना पैसे वाला बंदा है तो यार तू 174 लाख करोड़ छोड़ देना है। एक सौ चौहत्तर लाख करोड़ कोई छोड़ता है? एक सौ चौहत्तर लाख करोड़ कोई छोड़ता है बताओ? अबे 174 रुपए ना छोड़ू मैं तुम्हारे पे तो मां के लड़ो, कह रहे 174 लाख करोड़ भूल जा। ओहो, कल की कमाई बताता हूं मैं अपनी, कल मैंने पैसा कमाया, कल हमारी बात चल रही थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मामले में, एक मैडम है कपूरथला की महारानी है, हरजीत नाम है उनका, मतलब हर चीज जीत सकती है। अच्छा जी, उनकी उनकी बायर टीम पहुंच गई एम्स के सौदे में, 8 लाख करोड़ की बात हुई, मेरे को वैल्यू बताई गई सर एम्स का जो सौदा है वो 8 लाख करोड़ का है। ठीक है भाई डन, वहां जाके पहुंच गए, पहले हमने लिखा, तूने लिखा तो क्या हो गया, हमसे ज्यादा पैसे, मुझसे बात करना, सौदा मैंने डाला भाई। बात करते करते चली गई जी, सौदा पहुंच गया, खाम खाई कहानी बना रही बीच में, 80 लाख करोड़ पे कपूरथला की महारानी हो गई खुक्कल बैठ, 80 लाख करोड़ पे कपूरथला की महारानी जो है कुक्कल बैंड, सौदा छोड़ना पड़ गया इनको कपूरथला की। फिर आए एक साहब हमारे थाईलैंड से, वो भी वहां के ठीक ठाक पैसे वाले व्यक्ति हैं, शहर कपूरथला की महारानी पे दिमाग होगा कुछ, उनका रहता है राजा महाराजाओं में होगा भाई। मामला चला गया, उन्होंने 106 लाख करोड़ पे पैकेट खुलवाया, मैं कहा देख लो जी खोल तो दूंगा मैं, पर सोच समझ के, पर सौदा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सौदे पे बात करने करने के 10,000 करोड़ पे लूंगा मैं, बात तभी करूंगा अगर बात करनी है तो 10,000 करोड़ पे मेरे हुए, सौदे में आप बिड में आते हो नहीं आते बात की बात है, जनाब आए जी बिड में 10,000 करोड़ तो मेरे हुए, आओ जी, कह रहे 106 करोड़ पे खोल, मैं खोल दिया जी, 80 लाख करोड़ पे बंद हुआ था पैकेट, 106 लाख करोड़ पे खुलवा लिया, खोल दिया जी हमने। मैं आप बताओ, अब मैं बताऊं बिड, अब बता देना, मैं कहा 257 लाख करोड़ हाथ जोड़ लिया, कह रहे रहने दे भाई, मैं कहा जाओ घर सर, खाओ पियो मस्त रहो, 257 लाख करोड़ कमा लिए मैंने, पर एम्स का सौदा रहा वही 8 लाख करोड़ में, मुझसे बात करना। मैडम कह रही उसकी एक कपूरथला की मैडम जो है उनकी जो कह कहते मैनेजर है वो कह रही एम्स को दे, तू कौन होती है ये बोलने वाली, एम्स के 8 लाख करोड़ की पर्ची अलग से, तू मुझसे बात करना, मैं हूं एम्स का मालिक, मैं एम्स में कितना भी पैसा दूं, तू कौन होती है बोलने वाली, और तू है क्या, तेरी महारानी जैसी ना 1 लाख भी ले आना तो जूते मंजवाऊंगा मैं अपने घर में, अगर मैंने अपनी बीवी की चप्पलें ना उठवाई ना तेरी महारानी से तो मेरा नाम भी हितेश नहीं, समझ में आ गई, मेरी बीवी की चप्पलें उठाएगी वो, औकात क्या तेरी महारानी की। फिर उतारा सऊदी के एक साहब है हमारे भाभी साहब, होगा जी पैसा, मेरे को कहते जानता भी है मेरे पे कितना पैसा है, मैं कितना है बताओ हम भी सुन लेते हैं क्या हो गया, मैं पूछा नहीं आते ही कह रहे 8 लाख करोड़ US डॉलर है मेरे पास, मैं अच्छा जी बहुत खुशी की बात है भाई, आशीर्वाद आपको, आप और कमाओ पैसा, हमने रोका थोड़ी आपको,
कह रहे एम्स की सौदे की बात कर रहा हूँ, उनको उनको पता लगा कपूरथला की महारानी हार गई थी इससे। तो साहब कहते कि अच्छा जी, मैंने कहा पर याद रख लेना सौदे में बैठने से पहले 10,000 करोड़ रुपए ले लेता हूं मैं। पैकेट पे बात भी नहीं करूंगा एम्स के। वो बात करके आ गए, कह रहे ठीक ले लिख ले भाई तू 10,000 करोड़ रुपए, बात कर लेते हैं एम्स के सौदे पे। मैंने कर लो जी। कह रहे कितने पे पैकेट खुलेगा? मैं कहा मैं क्यों बताऊं, आप बोलो ना। कह रहे फिर भी कुछ हिंट। मैंने कहा आपकी इच्छा हो तो पूरे 8,00,000 करोड़ US डॉलर पे खोल लो पैकेट एम्स का सौदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का। कह रहे खोला? मैं कहा खोल दो जी। अभी भी थाईलैंड वाले साहब के पास हिसाब पहुंचेगा तो उन्हें पता लगेगा उन्हें चोट क्या लगने वाली है। 106 पे 106 और फिर 257 आ जाओ सर। मैं उतना नहीं पढ़ता इस मामले में। तो वहां भी साहब ने के मैनेजर ने बोला जी साहब ने कह दिया है ठीक है खोल 8,00,000 करोड़ US डॉलर पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सौदा। मैं जी खोल देता हूँ। ये लोग खोल दिया। कह रहा अब तू अपनी बीट बता दे। मैं कहा 8 पे 8 16 लाख हो गया। हाँ ठीक है। मैं कहा मेरी बीट सुन लो जी, पर उतना पैसा देना पड़ जाता है जितना लग गया। ये नहीं कि लेके चले जाओगे एम्स आपका हो गया ना, पैसा छोड़ दे अब। यहाँ इन्हें यही तो नहीं पता है सौदे का खेल क्या है। अब बात जब हुई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जी सिंपल है 32,00,000 करोड़ US डॉलर है जी एम्स का सौदा। मैंने कहा मेरी बिड है। कह रहा भाई बस यहीं तक ठीक है। कह रहे ऐसा है जितना कमा लिया था ना हमने, अब उससे अब घर ही चला ले ज्यादा अच्छा है। तो 32,00,000 करोड़ US डॉलर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सौदा। मैंने कहा अभी पैकेट बंद कर पर्ची बना करके रख दिया मैंने पैकेट सौदे का, और किसी की इच्छा हो तो खुलवा लेना आ जाओ। अब पैसा सारा का सारा जो है मेरी टीम बीआई सिस्टम वाले मैनेज कर ही रहे। तो ये नेता लोग जो हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिखा रहे हैं। मैं थप्पड़ थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे खींच के। $32,00,000 करोड़ US डॉलर तो ये झांट भर का बहन का लौड़ा डॉक्टर बीपी खारी का लौंडा, मां की चूत इसकी नरेश की, नाम नरेश था बहन के लौड़ा, सर पे बैठाऊं तेरे को भोसड़ी का भिखारी। होगा तू कोई डागर, होगा तू कोई नारंग, होगा तो तू कोई भुवनेश्वर या कालेश्वर। पैसे हैं जेब में, जबरदस्ती दिमाग लगा रहा है। अगर दोबारा कभी किसी ने मेरी वाइफ को अंडर एस्टिमेट किया ना, बहन के लोड़ो इसकी चप्पलें साफ करवाऊंगा तुमसे। कहीं ज्यादा बड़ी महारानी और क्या कहते हैं कहीं की प्रिंसेस बन रही हो। मैं तो कल बात हो रही हो मिर्जा पूछ रहे जी अपना, मैं क्या परिचय बता रहा है भोसड़ी के, ये राजा महाराजा लोड़ा लसन यहां नहीं चलता कुछ। समझ में आ गई बात? सुनो बीआई सिस्टम, ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे राजाओं को मैसेज भेज दो, अपनी संपत्ति बोल एक बार में, तेरा सिंहासन खरीदना हमें और तेरा टाइटल, कीमत बोल। माधवराव सिंधिया तुझे हितेश मंडल की चुनौती है, अपने साम्राज्य की कीमत बोल। समझ में आई? वरना टाइटल छोड़, कीमत बोल, उतनी दूर दुगनी हम रखेंगे। अगर तू मेरी कीमत से ज्यादा साबित कर पाया तो ही तू सिंहासन पे बैठ सकता है मेरे सामने, वरना नहीं। हट नीचे। कौन हो और क्या हो?
वसुंधरा राजे कीमत बोल अपने साम्राज्य की, वसुंधरा राजे अपने साम्राज्य की कीमत बोल, उतनी कीमत मैं रखूंगा। अगर तू मेरी बताई हुई कीमत पार कर गई तो ही तू सिंहासन पे कहेगी बैठेगी और राजस्थान की महारानी कहला सकती है, वरना नहीं। चुनौती है मेरी विश्व के सारे राजशाही खानदानों को, चुनौती देता है देश मंडल। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, पीआई सिस्टम इन सबसे, इनके राजमहल सब खाली कराओ। साले भोसड़ी का पागल समझ रहे हैं ये क्या? पब्लिक की छोड़ ना, पब्लिक पे क्या राज कर रहा है तू? पब्लिक को क्या धमकी दे रहा है? मुझसे बात कर, मुझसे बात करना। ओए नवाब पटौदी के लौंडे, सैफ अली खान अपने साम्राज्य की कीमत बोल, अपने साम्राज्य की कीमत बोल। दुगनी शो करूंगा, जितनी उतनी तेरी है उतनी रखूंगा, और अगर तू मेरी बताई हुई वीडियो को पार कर गया तभी तू कह गए थे नवाब पटौदी कहलाएगा, वरना तुम्हारे सबके टाइटल छीनने का आदेश जारी किया जाता है। मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, चाहे तू तुर्क हो, चाहे तू मुगल हो, चाहे किसी को भी मानने वाला हो, चुनौती दी तो दी, समझ में आई? पाली का पुत्र हूं, अंगद मेरा नाम है, जो इस पैर को हिलाए मुंह मांगा ही नाम है। हम श्री राम भक्त थे हैं और रहेंगे, धरती पे सिर्फ एक श्री राम मंदिर रहेगा, बाकी सब तोड़ दूंगा। यही तुम कहते हो, जवाब मैंने दिया। जितना आसान तुम समझ रहे थे ना उतना आसान है नहीं, समझ में आई? हम भी तो देखे कौन हो तुम और क्या हो तुम। चुनौती दी तो दी, समझ में आई? बोला ना, अंगद मेरा नाम था है और रहेगा। मैंने रखा असुरों के साम्राज्य में अपना पैर, है तुम तो हिला के दिखाओ कोई हो तुम। इतना आसान नहीं है, एक का टाइटल नहीं बचेगा। लिख कागज पे कीमत और रखियो, मेरे मैनेजर्स पहुंचेंगे तेरे पास, समझ में आई? और सीधा बोल, अंगद की चुनौती है विश्व के सभी राजा महाराजाओं को, प्रभु श्री राम का साम्राज्य सजने वाला है, उतरो सिंहासन से। उनके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम के अलावा कोई सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, कहा तो कहा बस। तुम कोई भी हो, तुम्हारा मानने वाला और तुम जिसको मानते हो कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम भी तो देखें कितना खीसे में लेके बैठे हो, भारत मतलब भारत प्रभु श्री राम का साम्राज्य है, था है और रहेगा। इन लोगों ने क्या सोचा, समझ में आई? कपूरथला की महारानी हार गई तो इंडोनेशिया के महाराजा आ गए, ओहो मान ली बात सर। अब जितना बचा है उस पर चुनौती देता हूं मैं इंडोनेशिया के महाराजा को और सऊदी के वहाबी महाराजा को, आपको चुनौती है मेरी। अपनी संपत्ति बताइए कितनी है, वरना हटिए। विश्व में कोई राजा महाराजा नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम, बस
इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अपनी संपत्ति बताइए। यहां से जो मैसेज दिया गया उसे सुन लीजिए और फॉलो कीजिए। आप चाहे कोई हो,